रेलवे ट्रैक पर दो डेड बॉडी मिलने से हड़कंप हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। यूपी के कौशाम्बी में शुक्रवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर दो अलग अलग स्थानों पर शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कर मामले की जाँच में जुट गयी। घटना पोखराज थाना क्षेत्र की है, जहाँ पहली डेड बॉडी जलालपुर बोरियो गाँव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है, जबकि दूसरी डेड बॉडी वही गाँव के सामने रेलवे ट्रैक पर मिली है। दोनों डेड बॉडी के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाबत एडिशनल एसपी समर बहादुर ने बताया कि प्राइमरी जांच के दौरान मामूली विवाद के चलते सुसाइड की बात सामने आ रही है, फिर भी मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रेलवे ट्रैक पे दो लाशें मिली हैं, उनमें के बीच में दूरी करीब 2 किलोमीटर की है और दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ आया था सरायकील थाना क्षेत्र से और एक व्यक्ति यहीं भरवारी चौकी क्षेत्र का रहने वाला है, थाना कोकराज का। पहला व्यक्ति बताया जा रहा है कि शराब पीता था और वो बता रहा कल कुछ झगड़ा हुआ था, उसने कहा था आज कहानी ख़त्म कर देते हैं। दूसरा व्यक्ति आया था अपनी बहन के और घर से कैसे निकला था कि घर वापस जा रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हॉट टक की बात आई थी, लेकिन ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं थी। इसकी जाँच हो रही है, जो सत्यता होगी वो साफ मिलेगा, उस हिसाब से कार्रवाई करें। जो सरायकील का लड़का था उसके हाथ में उसका नाम पता पूरा लिखा था, ये बात को समझ में नहीं। ये नाम पता मोबाइल नंबर ये सब लिखा था, तो अब हो सकता है उसने अपना ऐसा मूड बनाया हो, सुसाइड करेंगे कम से कम घर वालों को सूचना मिल जाए। लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं, अगर कोई उसके साथ गलत बात हुई है, कोई और घटना हुई है, तो उसके कारण लास्ट देख कर सर ऐसा नहीं लगता है कि सुसाइड जैसा, क्योंकि केवल सिर पर चोट है। अब जो मेरे पास फोटो है उसमें बुरी तरह हाथ भी जख्मी है और सर पे बहुत बुरी तरह चोट है। अमूमन ऐसी चोटें नहीं आती हैं, फिर भी अगर कोई बात प्रकाश में आएगी, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे।